यानी घिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। लौकी लंबी और गोल दोनों आकार में पाई जाती है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे सब्जी, रायता, कोफ्ता, हलवा, खीर और पेठे आदि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लौकी का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को दूर करने में भी किया जाता है। इसके मुलायम फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खाद, रेशा, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब किसान भाई, लौकी की खेती की हर एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की। तो लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उसके बाद तापमान की बात करें तो लौकी की खेती के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। भूमि की बात करें तो लौकी की खेती लगभग सभी तरह के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाई, लौकी की खेती के लिए भूमि की तैयारी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लौकी के अच्छे उत्पादन के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर खेत में पाटा लगाकर समतल बना लें, जिससे खेत में सिंचाई करते समय पानी कम या ज़्यादा न लगे। अब खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के खेत में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। यदि मिट्टी की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति एकड़ खाद एवं उर्वरक का प्रयोग आप इस प्रकार करें। लौकी की खेत से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कंपोस्ट या गोबर की सरी खाद 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ की दर से खेत की तैयारी के समय खेत में डालें। इसके अलावा यूरिया 60 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 120 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलो प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। खेत में सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया का 1/3 भाग बुआई के समय डालें। बाकी की बची हुई यूरिया बुआई के 1 महीने बाद डालें। किसान भाई, लौकी से अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप उन्नत किस्मों का चयन इस प्रकार कर सकते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं लंबी किस्मों की। तो आप पूसा समर प्रो लिफिक लॉन्ग, हिसार सेलेक्शन लॉन्ग, पंजाब कोमल, पूसा मेघदूत आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे गोल किस्मों की बात करते हैं। तो आप पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, संकर पूसा मंजूरी, हिसार सेलेक्शन राउंड, पूसा संदेश आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं संकर किस्मों की। तो आप अर्का बहार, कोयम्बटूर 9, पंत संकर लौकी फर्स्ट, पूसा संकर 3, नरेंद्र संकर लौकी 4, आजाद नूतन आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। लौकी की बुआई की समय की बात करें तो आप लौकी की खेती जायद, खरीफ और रबी तीनों मौसम में कर सकते हैं, लेकिन लौकी की खेती मुख्य तौर पे जायद और खरीफ में की जाती है। लौकी की खेती जायद में जनवरी से मार्च, खरीफ में जून से जुलाई और रबी में सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में का समय उपयुक्त होता है। रबी के मौसम में लौकी की खेती में केवल हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया जाता है, जिससे ठंड के दिनों में
अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाई, लौकी की खेती के लिए बुआई की विधि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लौकी की बुआई के लिए नाली विधि ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसके बुआई के लिए जायद एवं रबी के मौसम में 2.5 से 3.5 मीटर और खरीफ यानी वर्षा के मौसम में 4 से 4.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली बना लें। इन नालियों के दोनों किनारों पर जायद एवं रबी में 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर और खरीफ में 80 से 85 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई करें। एक स्थान पर 2 से 3 बीज 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लौकी की खेती के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 2 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाई, लौकी के बीज की बुआई से पहले बीज को उपचार करना बहुत ज़रूरी है। आप थीरम या बाविस्टीन की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज उपचारित करें। लौकी में सिंचाई की बात करें तो जायद में यानी गर्मी में 6 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए और खरीफ में यानी बारिश के मौसम में मौसम एवं मिट्टी में नमी को देखते हुए सिंचाई की ज़रूरत होती है। रबी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतराल पर खेत में सिंचाई करें। लौकी के पौधों की सहारा देने की बात की जाए तो सामान्यतः गर्मी के मौसम में पौधे को सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन खरीफ यानी बारिश के मौसम और रबी में पौधे को मचान बनाकर चढ़ा देना चाहिए। इससे फल गुणवत्ता युक्त तथा अधिक उपज प्राप्त होती है। किसान भाई, लौकी में निराई गुड़ाई की बात करें तो लौकी में पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। यदि खेत में खरपतवार की अधिक समस्या हो तो ब्यूटाक्लोर रसायन की 800 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से बीज बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई, लौकी की खेती के लिए फलों की तुराई भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लौकी के फलों की तुराई मुलायम अवस्था में करनी चाहिए। इसके किस्म और मौसम के आधार पर फसल लगभग 50 से 60 दिनों में तुराई के लिए तैयार हो जाती है। फलों का वजन किस्मों पर निर्भर करता है, इसीलिए आप फलों की तुराई 4 से 5 दिनों के अंतराल पर करते रहें। लौकी की फसल से उपज की बात करें तो इसके फसल से लगभग 140 से 200 कुंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होता है। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।